रंग का महीना आ गया, फिर आजादारी के दुश्मन को पसंदा, ऐसा लगता है मुहर्रम का महीना आ गया, फिर आजादारी के दुश्मन को पसीना गया। ये दो मिसरे बतौर खास के दिल ये कहता है कि मर जाऊं गमे शबीर में, इसका ये मतलब है कि मुझको भी जीना कहता है कि मर जा गमे शबीर में, इसका मतलब है कि अब मुझको भी जीना। सलवात करने दो। एक मतलब, दो मतलब और तीन चार शेर बताता हूँ। मतलब बतौर खास कुछ बताऊँ, तशरीफ लाइए। सलवात करो पौधे। मतलब खुसूसन मातमदारों की नजर रखता हूँ। मौजज़ा दिखलाए तुमको मातमे शबीर का, सुनिएगा मतलब। मौजज़ा दिखलाए तुमको मातमे शबीर का, जख्म अपने आप भरता है कमा जंजीर का। ये मतलब बतौर खास करता हूं कि शाम के दरबार में वो रोब था तकरीर का, शाम के दरबार में वो रोब था तकरीर का, हौसले मुंह तक रहे थे ज़ैनबे दिलगीर का। शाम के दरबार में रोब था तकरीर का, हौसले मुंह तक रहे थे ज़ैनबे दिलगीर का। मौजज़ा शेर चार शेर ला कीजिएगा कि बेज़बान एक तबस्सुम से किए हैं काम दो, करता हूँ मैं सच नहीं है खासतौर से। बेज़बान एक तबस्सुम से किए हैं काम दो, जिंदगी इस्लाम को दी दम निकाला तीर का। मातमे शबीर का, ये शेर एक पैगाम की शक्ल में कि अपने
बच्चों को भी लाओ मजलिसे शबीर में, कारखाना है यही किरदार की तामीर का, मौजज़ा दिखलाए तुमको मातमे शबीर का। ये शेर जी तौर पे हाजिर करता हूँ के सीने मौत के सीने पर चढ़ के नोके नेजा तक गए, मौत के सीने पर चढ़ के नोके नेजा तक गए, अरे खंजरों से कुछ ना बिगड़ा हजरत शबीर का, क्या कहना, वाह 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 जैसा दिखलाए तुमको, वाह 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 मातमे शबीर का। आखिरी दो शेर अर्ज करता हूं कि फायदा जो अली के नाम का नारा लगाता ही नहीं, फायदा उसको ना होगा नारे तकबीर का, क्या कहना, तुमको मातमे शबीर का। आखिरी शेर पेश करता हूँ के आ नहीं सकती निजासत उसकी नस्लों के करीब, आ नहीं सकती निजासत उसकी नस्लों के करीब, जो कसीदा पढ़ रहा है चादरें